नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है अनूप पांडे क्लासेस में। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंसीजन ऑफ लीफ ब्लेड। देखिए, लीफ ब्लेड में कटिंग जो होता है उसी को इंसीजन कहते हैं। इंसीजन का मतलब ही होता है कटिंग। इंसीजन मतलब कटिंग। इंसीजन मतलब कटिंग। आप इसे कटिंग भी कह सकते हैं। देखिए, एक लीफ होता है पिनेट टाइप का। इस लीफ में मिड रिब रहता है और इसी मिड रिब पर लैटरल वेंस का फॉर्मेशन हुआ रहता है। पिनेट टाइप। यहां पर आपको एक मिड रिब रहता है और इसी मिड रिब पर लैटरल वेंस का फॉर्मेशन रहता है। इसी को पिनेट टाइप कहते हैं। पिनेट टाइप का वेनेशन हुआ रहता है। और एक लीफ में वेनेशन होता है उसे कहते हैं पामेट टाइप। पामेट टाइप। यहां पर कई रिप्स रहते हैं आर फॉर्म्ड ऑन टिप ऑफ द पेटियोल। जो लीफ का स्टाक होता है उसे पेटियोल भी कहते हैं। उसी पेटियोल पर कई रिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है और रिप्स मतलब स्ट्रांग विंस ही रहते हैं। और जबकि पिनेट टाइप में सिर्फ एक मिड रिब का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर कई लेटरल विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और पामेट टाइप में कई सारे रिब्स रहते हैं। तो यह दो प्रकार के वेनेशन हमें लीफ में देखने को मिलते हैं, पिनेट टाइप और पामेट टाइप। पिनेट में इतना समझ लीजिए एक मिड रिब रहता है और पामेट टाइप में कई सारे रिब्स होते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के जो लीफ वेनेशन होते हैं यहाँ पर जो कटिंग होता है वह अलग-अलग दिशाओं में देखने को मिलता है, अलग-अलग डायरेक्शन में देखने को मिलता है। देखिए, पिनेट टाइप में जो इंसीजन होता है वह हमेशा टुवर्ड्स मिड रिब होता है। यहां जब भी कटिंग आप देखेंगे आप पाएंगे वह कटिंग मिड रिब की तरफ ही हुआ है। किसी लीफ में मिड रिब की तरफ थोड़ा कटिंग हुआ है और किसी पिनेट टाइप के लीफ में आप देखेंगे ज्यादा कटिंग हुआ है, वह भी मिड रिब की तरफ ही हो रहा है। और पामेट टाइप में क्या होता है, यहां पर जो कटिंग होता है वह कटिंग हमेशा टिप ऑफ द पेटियोल की तरफ ही हुआ रहता है, या आप इसे बेस ऑफ द लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं। यहां पर जब भी कटिंग होता है वह हमेशा टुवर्ड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ द लीफ ब्लेड कह सकते हैं, क्योंकि लीफ ब्लेड के बिल्कुल नीचे वहीं पर पेटियोल का टिप भी होता है। पेटियोल का टिप भी होता है। तो इस दिशा में कटिंग होता है। पामेट टाइप में जब भी आप देखेंगे इंसिजन वह बेस ऑफ द लीफ ब्लेड की तरफ ही हो रहा होता है। तो यह दो प्रकार के हमें कटिंग देखने को मिलते हैं, जो एक पिनेट टाइप में और एक पामेट टाइप में। दोनों में अलग अलग दिशाओं में कटिंग हो रहा होता है। देखिए, पिनेट टाइप में कटिंग तो मिड रिब की तरफ हो रहा होता है
लेकिन सभी पिनेट टाइप में अगर कटिंग हुआ है तब एक मिड रिब से एक ही दूरी तक लीफ ब्लेड में कटिंग नहीं हुआ रहता है। इसी के आधार पर पिनेट टाइप पर भी पिनेट टाइप में भी कई प्रकार की हमें कटिंग अलग अलग मिड रिब तक के दूरी तक का देखने को मिलता है। ऐसे ही एक टाइप है, यहाँ भी आपको कई टाइप्स देखने को मिलते हैं पिनेट टाइप के इंसिजन में भी। एक टाइप है पिनाटिफिड। पिनाटिफिड में जो इंसिजन हुआ रहता है यह हाफ और नियर हाफ टू द मिड रिब, मतलब कि जैसे यह लीफ है, यह लीफ है, यहां पर एक मिड रिब है, जैसे यह लीफ है, यह मिड रिब है, तो लीफ मार्जिन से और मिड रिब के हाफ डिस्टेंस तक या लगभग हाफ डिस्टेंस तक ही कटिंग अगर हुआ है तब उसे पिनेटी फीड कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो लीफ मार्जिन से जो मिड रिब तक का डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस तक अगर इंसीजन कट हुआ है या लगभग आधे दूरी तक लीफ मार्जिन और मिड रिब के बीच हो गया है तब उसे पिनेटी फिड कहते हैं। पिनाटी पार्टाइट, इसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस टू दी मिड रिब। आपने देखा था पिनेटिव फीड में हाफ और नियर हाफ डिस्टेंस टू द मिड रिब तक हुआ था। लीफ मार्जिन और मिड रिब के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ डिस्टेंस या लगभग हाफ डिस्टेंस तक कटिंग हुआ था और इस पिनेटिव पार्टाइट में आधे से ज्यादा दूरी तक कटिंग हो गया होता है उसे पिनेटिव पार्टाइट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यह लीफ है, यह लीफ है, यह मान लीजिए लीफ है और यह मिड रिब हो गया और इसमें कई लेटरल वीन्स का फॉर्मेशन अगर हुआ है, जैसे लीफ मार्जिन और मिड रिब के बीच का दूरी यह है, अगर इससे ज्यादा तक का कटिंग हो गया है, जैसे इससे ज्यादा दूरी तक का कटिंग अगर हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा दूरी तक हाफ से ज्यादा मैंने कट कर दिया है तब इसी को पिनेटी पार्टाइट कहते हैं। यहां पर कटिंग जो लीफ ब्लेड में होता है जो मिड रिब और लीफ मार्जिन से डिस्टेंस होता है उससे आधे से ज्यादा दूरी तक कटिंग हो गया है तब उसे पिनेटी पार्टाइट कहते हैं। पिनेटी सेक्ट, पिनेटी सेक्ट में क्या होता है, पिनेटी सेक्ट में क्या होता है, पिनेटी सेक्ट में जो कटिंग होता है वह कटिंग नियर द मिड रिब हो जाता है। जैसे आप देखेंगे अगर यह लीफ है, यह लीफ है,
यह मिड रिब है, तो यह लैटरल विंग्स है, तो यहां पर जो कटिंग होगा यह कटिंग बिल्कुल मिड रिब के नजदीक तक हो जाता है, तो उसी को पिनेटी सेक्ट कहते हैं। चौथा और आखिरी पिन्नेट कंपाउंड, पिन्नेट कंपाउंड, इसमें जो इंसिजन या कटिंग होता है यह कटिंग टू द मिड रीब, पूरा मिड रीब तक कटिंग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जैसे यह लीफ पिन्नेट लीफ है तो पूरा लीफ ब्लेड तक कटिंग हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि लीफ में कई लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, अलग अलग सेगमेंट लीफ में बन जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो लीफ में अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं, अलग अलग लीफलेट्स, एक लीफ में लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर इंसीजन पूरा मिड रिब तक हो गया है, इसी को पिन्नेट कंपाउंड कहते हैं। इंसीजन टू द मिड रिब हो जाता है और इसके वजह से लीफ सेगमेंट्स आर सेगमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं लीफ में, और इसे आप लीफलेट्स भी कह सकते हैं, इसे लीफलेट्स भी बोला जाता है, लीफ में लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह पिन्नेट कंपाउंड रहा, क्योंकि इसमें जो मिड रिब है पूरे मिड रिब तक इंसिजन हो गया है, जिसकी वजह से एक ही लीफ में लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे पिन्नेट कंपाउंड कहते हैं। और आगे अभी हम पिन्नेट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि उस लीफ में कितने लीफलेट्स फॉर्म हुए हैं उसके बारे में। और पामेट कंपाउंड में जो सॉरी जो पामेट टाइप होता है, इसमें भी इस प्रकार का पामेट कंपाउंड हो जाता है, भी पढ़ेंगे आगे हम। पामेट टाइप में मैंने बताया जो इंसिजन होता है वह टुवर्ड्स द लीफ ब्लेड होता है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड होता है, या उसे आप कह सकते हैं पेटियोल के टिप तक इंसिजन होता है। तो यहां पर भी जो कटिंग होता है वह पेटियोल के टिप तक, लीफ मार्जिन से लेकर पेटियोल टिप तक होता है, मगर अलग अलग डिस्टेंस तक देखने को मिलता है, किसी लीफ में कुछ डिस्टेंस तक हुआ है, किसी लीफ में कुछ डिस्टेंस तक हुआ है, इसलिए यहाँ भी कुछ प्रकार के इंसिजन पामेट टाइप में भी हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ भी हमें कुछ टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए एक होता है पामेटी फिड, पामेटी फिड, पामेटी फिड, जैसे मैंने आपको पिनेटी फीड में बताया था कि हाफ डिस्टेंस तक कटिंग होता है, यहां भी हाफ आर नियर टू द हाफ तक ही कटिंग होता है, मगर उसका डायरेक्शन बेस ऑफ द लीफ ब्लेड होता है। यहां भी आप देखेंगे हाफ आर नियर, हाफ डिस्टेंस टू बेस ऑफ लीफ ब्लेड या पेटियोल के टिप तक हो जाता है, क्योंकि बेस ऑफ द लीफ ब्लेड पर ही पेटियोल का टिप होता है, इसे पामेटिक फीड कहेंगे। और हाफ से अगर हाफ डिस्टेंस से ज्यादा तक कटिंग हो जा रहा है टुवर्ड्स बेस ऑफ द लीफ ब्लेड, तब उसे पामेटी पार्टाइट कहा जाता है। यहां मोर देन अ हाफ, मोर देन हाफ डिस्टेंस टू बेस ऑफ लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड के बेस तक कटिंग होता है, मगर हाफ डिस्टेंस से ज्यादा लीफ मार्जिन से, जो लीफ ब्लेड का बेस होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है
आधे डिस्टेंस से ज्यादा तक का कटिंग हो गया है तब उसे पामेटी पाटाइट कहते हैं। और तीसरा पामेटी सेक्ट होता है, पामेटी सेक्ट इसमें क्या होता है, इसमें भी इंसीजन होता है मगर नियर नियर टू द लीफ, नियर टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड, नियर टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड, इसे पामेटी सेक्ट कहते हैं। बिल्कुल लीफ ब्लेड के बेस तक, बिल्कुल नजदीक लीफ ब्लेड के बेस तक इंसिजन हो गया है उसे पामेटी सेक्ट कहते हैं। और चौथा है पामेट कंपाउंड इंसिजन, पामेट कंपाउंड, यहां पर जो इंसिजन होता है टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड या तो पेटियोल के टिप तक भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही बात हुआ, टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड हो गया होता है, जिसके वजह से कई सेगमेंट्स अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं जिसे लीफलेट्स भी कहते हैं। लीफलेट्स आर फॉर्म, इसमें लीफलेट्स बन जाते हैं क्योंकि पूरा लीफ ब्लेड के बेस तक कटिंग हो गया है जिसके वजह से लीफलेट्स बन जाते हैं। अभी हम आगे पामेट कंपाउंड में पढ़ेंगे कि लीफ लेट्स फॉर्मेशन जो हो रहा है वह कितना हुआ है, तो उस पर अभी आगे बात होगा। तो यह पामेट टाइप के जो लीफ होते हैं जहां पर पामेट इस प्रकार से वेनेशन हुआ है कि पेटियोल के टिप पर रिब्स फॉर्म हुए हैं, स्ट्रांग विंग्स फॉर्म हुए हैं, तो वहां पर भी जो इंसीजन होता है वहां पर भी इंसीजन अगर हाफ डिस्टेंस टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड हुआ है, मतलब लीफ मार्जिन से या लीफ एपेक्स से जो कटिंग हुआ है वह जो लीफ मार्जिन या लीफ के एपेक्स से जो डिस्टेंस होता है लीफ ब्लेड का बेस तक का या टिप ऑफ द पेटिगोल तक का डिस्टेंस होता है, अगर उसके आधे या लगभग आधे डिस्टेंस तक हो गया है तब उसे पामेटी फिड कहते हैं। और पामेटी पार्टाइट में इंसीजन हाफ डिस्टेंस से ज्यादा हो गया है लीफ बेस ऑफ द लीफ ब्लेड की तरफ, और पामेटी सेक्ट में बिल्कुल नियर टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड हो गया है, और पामेट कंपाउंड में टू द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड और टिप ऑफ द पेटियोल हो गया है जिसके वजह से लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो गया होता है। तो यह रहा इंसीजन ऑफ लीफ ब्लेड के बारे में, और आगे के वीडियो में हम सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया पिन्नेट कंपाउंड लीव जहाँ पर लीफलेट्स बन जाते हैं मगर यहाँ पर इंसीजन मिड रीब की डायरेक्शन में हुआ है, पामेट कंपाउंड में भी यहाँ पर भी लीफलेट बनता है, यहाँ पर जो कटिंग हुआ है वह बेस ऑफ द लीफ ब्लेड हुआ है। अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स के बारे में, तब इसके बारे में मैं बात होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जय श्री राम।